चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना? वो कहता हाँ हाँ किया हुआ है। ओए लाइक किया हुआ है बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी जुमे का दिन है, सबसे पहले आप सब लोगों को जुमे का मुबारक। यार बाप ना, कि जब मैंने व्लॉग शुरू करता हूँ ना, ये बंदा मुझे तंग करना शुरू हो जाता है। तो जी कल शाम 4 से रात 8 बजे तक पहले बारिश होती रही है, उसके बाद अगेन रात को बारिश होती रही है। और बारिश की वजह से हमारे पहाड़ में तो पानी है ही है, ऊपर से जो साथ वाला घर है ना, ये घर तो नहीं है किसी के, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है यहाँ पे। तो वहाँ पहले रोड से पानी आता है, पार्क में जो पार्क बना हुआ ग्राउंड खाली, अब तो वहाँ पे कूड़ा ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ से पानी आता है इस घर में। और उस घर जो ये वाला सामने वाली जगह है ना, ये थोड़ी ऊंची है, हमारा प्लाट थोड़ा नीचे है उसकी नस्बत। तो वो देखें, आप लोगों को नीचे सिखाता हूँ, वो देखें कूलर के नीचे से सारा पानी, वहाँ से सारा पानी इधर आता रहा है। तो भाई साहब इस जगह ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, इसका भी कुछ हल करेंगे। और उसके बाद आपको मेन अपडेट तो चलूँ, जैसे आपको पता है जो मेरा प्रोजेक्ट बाइक का आजकल उसकी हालत बड़ी ख़राब है, टाइम मुझे मिल नहीं रहा है। अलहमदिल्ला मेरे मुशी वाले जो पेपर थे कल, फिजिक्स का पेपर जो था मेरा, वो अच्छा हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट पेपर है ना मेरा, वो उर्दू का है, मेरे ख्याल 25 को ही है, अभी रोल नंबर स्लिप देखी है मैंने। तो आज जो मेरा मेन काम है वो जी, हमने जो प्रोजेक्ट बाइक खड़ा है, आपको पता है वो परसों भगा रहा था, उसका टायर बाकी चला फुल फट गया था। तो अभी उसका जो टायर है, थोड़ी देर बाद अभी जैसे शॉप खुलती है, बाजार अभी तक बंद है, हर जगह रोड पे पानी पानी खड़ा है। जैसे ही रोड से कहीं पानी कम होता है तो चल के उसका नया टायर लेते हैं, बाग को अपने साथ ले जाऊँगा, उसका चल के नया टायर लेकर उसका नया टायर डलवाते हैं। जो जो काम उसका आज हो सका मेरे से वो भी करना है, क्योंकि अभी तक कम्प्लीटली फ्री नहीं हुआ। और इसके भाई साहब बजट अच्छा खासा लगने वाला है, तकरीबन 25-30 हज़ार का बजट है, इसमें जाके वो मेरा प्रोजेक्ट बाइक बनेगा। तो अभी सबसे पहले इसका टायर डलवाएंगे, फिर इसकी नंबर प्लेट्स नहीं बनवाएंगे, और साथ इसके टैंक और जो साइड कवर उन पर रैप करवाऊँगा। आज इसके 3 काम करने हैं। आज मैं खड़ा हुआ हूँ झूले के ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें। उसके बाद जी एक और हमें टास्क मिला है, वो देख रहे हैं मुझे कूलर सामने पड़ा हुआ है। तो जो अभी इसको भी हमने जाके बेचना है, क्योंकि घर पर फारिक पड़ा है, ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई कहीं पड़ा है, तो इसे जाके बेचाना है। तो माशाल्लाह जी बारिश आने से मौसम तो अच्छा हो गया। साथ जिन पौधों को ये देखें, ये पौधे भाई साहब हमने लगाए नहीं थे, हमने ये दो बड़े, एक ये वाला हमने खुद लगाया था और ये वाला नीम का दरख्त हमने खुद लगाया था, ये और दोनों, ये दोनों खुद ही हो गए थे, बस भाई नसीब है। और ये चार तो आज ही बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि जी काम भी करवाना है, बजट मेरे पास अभी तक बहुत थोड़ा है, घर से मैंने पैसे मांगे, मेरे घर वालों ने मुझे भगा देना, क्योंकि पहले मैंने 1-5 बड़े लगाए हैं, तभी जी 1-5 को कर देना कम्प्लीटली खड़ा। इसका जब टायर डलवा देंगे ना, जो मेरा बाइक खड़ा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ चलने के काबिल हो जाएगा। जब टायर डलवा रहे के साथ इसके व्हील की ना बैलेंसिंग भी करवानी है। अब इसके जो रिम्स हैं ना, वो टेढ़े मेरे हैं, 7 है फुल किस्म के, तो आज उनके व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे, टायर डलवाएंगे, टैंक रैप और साइड कवर नंबर प्लेट, ये 5-6 काम जो है ना, पहले मैं 3 बता रहा था, 5 बता रहा हूँ, 2 काम और ऐड हो गए अंदर, ये काम करवा कर जी इसे चलाया करेंगे, क्योंकि बारिश हर जगह पानी है। मैंने अगर दूसरे को बाइक को निकाला ना, बारिश सारा गंदा हो जाना, उससे मैं भी ख़राब करना नहीं चाहता। इसकी खैर है, इसको वैसे भी हमने हर चीज़ की उतार देनी है, जिस चीज़ पे इसका रस्ट लगा हुआ है, तो वो पार्ट हम इसके एक्सचेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो भी जी दिल तो मेरा पहले किया था, अभी भाई चला जाऊँ पर यार क्या करें, शॉप खुले नहीं होंगी। और अभी जी यहाँ पर खड़े हुए, ये देखिए हवा चल रही है सारी, और मैं झूले पर खड़ा हुआ हूँ, और ये ऐसे काम रहते थे मेरी काम पर टांग रही है। आज आपको नॉलेज की बात है, चलो स्टूडेंट में और फ़कीर में ज़रा सा फ़र्क है। फ़कीर जी बाहर से लोगों से पैसे मांगता है, और स्टूडेंट घर वालों से पैसे मांगता है। बस जी कोशिश है जल्द जल्द इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर अपने शौक पूरे करेंगे, बड़े शौक है जी जिंदगी में, पर क्या करें, जो 150 घर से मिलता है उसी में गुजारा करना पड़ता है। बड़े गरीब आज का हालात मेरे बड़े ख़राब है यार। बस यार अगर मेन बात यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, 1 मिनट लगना है, आपने इस तरह उंगली प्रेस करनी है, चैनल सब्सक्राइब हो जाना है, आपका क्या जाना है यार, गरीब का भला हो जाएगा। दुआ दूंगा आपको यार, चैनल सब्सक्राइब कर दें, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मैं मौसम इंजॉय कर लूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरा, समझो प्यार है आजकल कर दिया है, चलो यार कर दिया, थैंक यू, नहीं कर तो दोबारा कर दो यार, कुछ नहीं जाता आपका ना, आपके कोई पैसे लगने हैं, ऐसे किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो जी अब क्या बात बताऊँ, छोड़े क्या बात, कोई नई बात बताता हूँ आप लोगों को। बाइक का पीछे खड़ा है, इसके काम करवाने से पहले आप लोगों को मैं इसकी ज़रा हालत दिखा दूँ। तो इसकी हालत फॉर यू, ये जी इसका पाटा हुआ टायर फॉर यू, ये देखें, ये बिल्कुल फारिक हुआ हुआ है, इसके मडगार्ड को भी लकवे ने सट मारी, ये देखें जी इधर का इधर हुआ हुआ, ये पूरा हिलता है, ये जब चलते हैं नहीं खड़ खड़ की आवाज़ आती है। ऊपर इसकी सीट देखें जी लंबी पड़ी हुई है, ये देखें सोई हुई है, इसके पीछे जो बंदा बैठ जाए ना उसको स्लाइड वाले मज़े आते हैं, अगला बंदा बैठे यहाँ ना तो आता है यहाँ पर पीछे से नीचे है, स्पेशल स्लाइडिंग सीट्स लगवाई हुई है। तो भाई साहब आज जाए, इसकी मैंने सीट भी नहीं डलवानी है,
उसके बाद आते हैं जिसके इंडिकेटर पे, जिसको छोटे छोटे इंडिकेटर लगे हुए थे, वो भी ऐसी कवा मिट्टी डाल के, तो वो मैंने तोड़ दिया। मैं गुस्सा बढ़ा रहा था ना देख के। उसके बाद जी इसकी जो बैक लाइट है ये देखें, इसको मैंने तोड़ के फेंक देना। उसके बाद जी इसकी जट्टों वाली नंबर प्लेट लगी हुई है, उसके बाद सबसे पहला काम मैंने इसकी नंबर प्लेट चेंज करवानी है। बस अब इतना नंबर प्लेट के ऊपर से एक और ये देखें, किसी ऐसे बंदे के पास था, ये देखें सारा यहाँ से भी सारा ख़राब हुआ हुआ, इसको सारा जाके चेंज करवा देना है। कोई तरह किस्म का ढेर किस्म का ये मोटरसाइकिल है ना, ये जनाब 4-5 दिन ये बारिश में ऐसे खड़ा हुआ, इसको बाहर खड़ा रहा, हमने पूछा ही नहीं इसको, टेंशन नहीं, हम पता भाई ये मजबूत गाड़ी है। एक वो जी अपना होंडा सामने खड़ा है, आप लोगों को कहेंगे इसकी कवर इधर है, इनके रेन कवर उसको ले आया था, उसका रेन कवर फट गया, इसके रेन कवर मैं ले आऊँगा। रेन कवर का ये फ़ायदा को आपके बाइक को बारिश और पानी दोनों से बचाता है भाई, एक ही बात है, पानी पानी अगर बारिश से अगर छुट्टी वाला हो तो ये जी बारिश इसको रेन कवर चाहता है, इंशाल्लाह इसका रेन कवर भी लेंगे। पर यार भैया इसका जो भी काम है ना एक दिन में कभी नहीं होता, सबसे पहली बार इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तो ऊपर से भाई पैसा बड़ा लगता है और मेरे पास आज कल वैसे बड़ी कमी है पैसों की, पैसे इंशाल्लाह आ जाएंगे तो इसका सारा काम शुरू करवा देंगे। और मैं आप लोगों का फीचर अटैच लाजमी करूँगा, साथ वीडियो अटैच कर दूँगा, बल्कि जिस बाइक की तरह मैंने इसे आप बनाना है, तो इंशाल्लाह जी मेरी कोशिश यही होगी मैं फुल बाइक जैसा बनाऊँ, पर उस पर मेरा तो एक मंथ पूरा लगेगा। यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, एक वीडियो दूसरे पर कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने का। तो अभी बाहर जाके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, रोड दिखाता हूँ, अभी देखता हूँ कोई शॉप खोले तो उसका सारा टायर लेने चलते हैं हम लोग। आया तो ये देखिए जी शॉप सारी बंद है मेरे घर के सामने वाली, और बाइक वाली कोई शॉप खुली ही नहीं है। तो जी क्या सर कहते हैं, घर चलना है, वैसे भी जुम्मे हैं के सामने, तो जी कोई शॉप नहीं खुली हुई। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बाजार की तरफ, और बाजार मेरा जाने का अभी भी कुछ भी आज मूड नहीं है। उसका एक ही एक रीज़न है जी, बारिश का पानी, जिस रोड पर जाओ इतना इतना पानी है। और जो 125 होता है ना, ये इस 70 बाइक से ना वैसे भी थोड़ा लोअर होता है, तो इसके बाद सेंसर में चल जाता है पानी और बाइक मेरा हो जाता है जी फौरन बंद, जिसकी वजह से बारिश में कल मैंने ये नए कपड़े पहने से बड़ा माशा लगा के कड़ी शड़ी पहन के मैं इस पर गया बाइक, आगे बाइक हो गया जी पानी में बंद, और बाइक गोटे गोटे मेरे कपड़े गीले हो गए फुल। क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है, काम तो करने दी जाए, पानी आया या सैलाब आया। वो कि आप लोगों को पता है आज जुमे का दिन है, तो अभी मैं नहा लिया कपड़े, मैंने कपड़े वही पहने जो मैंने सुबह कल शाम को ही मैंने कपड़े पहने हुए थे, तो कपड़े मैंने चेंज करके नहा लिया है। पीछे से आप लोगों को अजान की आवाज़ भी आ रही होगी, तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने। और आज मौसम भी सुबह सुबह तो बड़ा मौसम खुशगवार था बारिश की वजह से, अब मौसम जी बिल्कुल देखिए वैरान हुआ पड़ा है, चलता है जैसे हर जगह से साल में पड़े, तभी चलते हैं मस्ती जुमा पढ़ने। बारिश के मौसम में आप लोग कोशिश किया करें कि जहाँ पर भी जैसे बारिश आती है हर चीज़ गीली हो जाती है, तो जहाँ पर इस तरह के मोटी मोटी वायर्स लगी हो ना, ये मीटर भी सामने लगा हुआ है, तो उस जगह करीब से ना गुजरें, क्योंकि करंट कोई भी लग सकता है, करंट बाहर तो गिर जा सकता, तो इनके पास कोई चेक करें ना गुजरें क्या करें। तो जी ये रास्ते की हालत देखिए, मस्जिद की तरफ मैं जा रहा हूँ, सारा पानी ही पानी है भाई साहब, जैसे गुजरना है बड़ा मुश्किल है, कपड़े बचा बचा के जाना पड़ता बंदे को। ये देखिए ये मस्जिद आ गए सामने, अभी चलते हैं जी ऊपर मस्जिद में, चलकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। अलहमदिल्ला जुम्मा पढ़ के हम आ गए घर, अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं जी बाइक का टायर हम करके उसका काम करवाते हैं, क्योंकि पहले मैं फ्री था, फ्री हो गया हूँ अभी जी। अलहमदिल्ला जुम्मा पढ़ के मैं आ गया घर, अभी तक जी मैंने बाइक का सारा काम करवा लेना था, लेकिन अभी तक नहीं करवा सके, एक उसकी वजह के आज जुम्मा था, जिसकी जब शॉप बंद होगी, शॉप खुलेंगी थोड़ी देर बाद, कुछ खुली होंगी ज़्यादातर तो बंद होंगे, क्योंकि जुम्मे ना ज़्यादातर शॉप जुम्मे वाले दिन बंद होती हैं। और ऊपर से एक और बात, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने आपको पापा को फोन किया है, ये देखिए ये सारे मुझे व्लॉग बनाते हुए तंग कर रहे हैं, तो मैंने पापा से बात किया, पापा मुझे भेजेंगे पैसे, फिर इंशाल्लाह बाबी बाइक के आप हमारे साथ एक वीडियो बना रहे हैं। ये जी मजाक बना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं सारे ब्लॉगर हो ना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये जी फैन सारे, ये देखिए ये फैन, ये फैन, ये सारे फैन, दुनिया फैन है, अपनी टेंशन नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर खड़ा हुआ अपना एक और सब्सक्राइबर आ गया, डोगू डोगू ओए चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो कहता हाँ हाँ किया हुआ है, ओए लाइक किया हुआ है, बता लाइक क्यों नहीं करते, कहता व्लॉग तेरे मज़ेदार नहीं होते, होते मज़ेदार व्लॉग क्यों नहीं बता डोगू, टेंशन नहीं है, इतना बड़ा यूट्यूबर इसके सामने खड़ा ये बैठा हुआ, बस परवाह नहीं है ना जी, कदर नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। फिलहाल जी जा रहा हूँ मैं स्टेशन चौक की तरफ, वो जो मार्केट है वो स्टेशन चौक की तरफ है, जो मेरे घर का साथ वाला रोड है उससे मैं इस वजह से नहीं गया, क्योंकि जी वहाँ पर सारा पानी पड़ा हुआ बारिश की वजह से, तो ये वाला जो रोड है जी ये बड़ा साफ, तो इसी रोड से उसकी तरफ जा रहा हूँ जी मैं। तो मार्केट देखे सारी मार्केट पड़ी है बंद, तो भी चलते हैं जी घर वापस, और इंशाल्लाह आएंगे अब हम लोग कल। ऐसा गुजर रहा था मैंने कहा आप लोगों को चल रास्ता दिखाता हूँ, जब माशाल्लाह जी कमाल किस्म की जगह, ये देखें ऊपर जी सारे दरख्त, लेकिन थोड़ा सिविल लाइन एरिया ना, ये देखें
बिल्कुल कमाल किस्म का व्यू है जी। यहाँ कमाल आगे जी पानी खड़ा हुआ, पानी से पता नहीं भाई कैसे गुजारूंगा कैसे नहीं। ओहो मुझे वापस मोड़ना पड़ेगा। पूरा हेड त्रिमु बना हुआ जी जंग का, ये देख के सारा हर जगह जी पानी ही पानी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो जी फ़ोन डालता हूँ अपने पॉकेट में, यहाँ से गुजारता हूँ जी बाइक को मैं मुश्किल से। थोड़ा सा यहाँ पर पानी ज़्यादा ही है, देखे बाइक ऐसे पूरा आधा आधा टायर अंदर गया हुआ, ये देखे पानी बड़ा ही ज़्यादा है। मेरे कपड़े भी सारे गीले हो रहे हैं, बस दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ से ओहो भाई साहब बड़ा रास्ता ख़राब है, ये देखे सारा मेरे पीछे सारा रास्ता ख़राब है। आगे आगे चले रोड साफ चलता हूँ जी घर। बस क्या मारा मैं किधर इस रोड पे आ गया हूँ, पानी देखा सारा मेरे इतना ग्राउंड से उनका पानी है। तो जी जैसा कि आप लोगों को मैंने मार्केट दिखाई है, मार्केट तो बड़ी जगह, अब इन शाला जो भी काम होगा ना जो मेरा कल ही होगा, तो इन शाला जी आगे बनाते हुए टाइम लैब पर कल का जो काम हो कल ही करवाएं, क्योंकि आज का मार्केट बंद है। देखे जी यहाँ पर भी पानी है, तो तैयारी करते हैं अपने कपड़े शपड़े बचाने की, तो चलते हैं जी पानी के अंदर से। होकर अपना भाई अच्छी तरह ये देखें गंदा कर कर जलील खुआर होकर देखे मेरे पाँव। अभी तो मैंने शलवार ऊपर कटिंग मेरे कपड़े भी गिर जाने से। जिस रोड पे जाता हूँ भाई, जिस रोड पे जाओ सारे रोड पे इतना 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 पानी, इतना इतना पानी। हाँ मैं वरना भाई क्या था टायर पानी के अंदर डूब जाता है, ऊपर से भाई सब रोड होते हैं इधर से ख़राब। अभी जब मैंने वीडियो बंद की थी ना, वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था और वो जगह भी नीचे से ना टूटी हुई, सारा रोड ही वो ख़राब हुआ हुआ है। और जिस रोड पे गया सारे जंग के पॉश है कहते हैं जिससे वो थे, और देख के अब इतना इतना पानी पर जंग के हालात बड़े ख़राब हैं। तो जी समाज का काम जो हमारा करवाना था ये वाला सारा, वो काम तो जी अपना है रह गया। चले जी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कल चलकर इंशाल्लाह काम करवाते हैं। ओके हो गया। ये जो बारिश है ना, बारिश की वजह से सारे काम बंद हो। मैंने बाइक का काम करवाना था, ये जो सामने वाला कूलर पड़ा है ये वाला उठा के बेचाना था, लेकिन भाई साहब कोई काम भी नहीं हो रहा, सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं इस बारिश की वजह से। क्योंकि भाई साहब एक तो हर शॉप बंद है बारिश की वजह से, ऊपर से हर रोड बंद है। ऊपर से जहाँ जहाँ पर हम पहले झूल लेते थे ये देखिए नीचे सारा पड़ा हुआ पानी ही, जो भी यहाँ पर झूलने आता है बंदा गिरता है या बचता नहीं है यहाँ से। अब तो माशाल्लाह से देखिए धूप निकल आए, वो देखें थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है, ये देखें बस जी दुआ जैसे सूरज निकल रहा है, क्योंकि बारिश से आया पड़ा बंदा था। इंसान में बड़ा ना शुक्र है जब धूप आते कहता है बारिश हो, जब बारिश आती कहते हैं धूप हो, तो जी इंसान किसी हाल में राजी नहीं होता। बस जी अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जाओ भाई नान लेने, मुझे लगी बैठे कि फूल से मारे दूर में बाहर जाकर ले आऊँ जी नान, तो अभी चलते जी नान लेने। मेरे घर के साथ ही शॉप है तो वहाँ पर बैठ कर ले आते हैं जी नान अपने। नान तो मिले नहीं, समोसे मिले हैं, अभी वही लेके चलता हूँ जी अब मैं घर। कल पूरा बाइक का काम करवाएंगे हम, पूरा हम लोग बाइक का काम करवाने से कि उसका ये सारी शॉप बंद थी, तो इंशाल्लाह कल काम करवाएंगे। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ जी बाहर, यहाँ पे ये बाहर बकरे फिर यहाँ सामने छेड़े हैं ये बकरे, बताऊँ तुझे बकरा सलाम देते ये सामने वाला बार बार करना, अब आप पीछे दोबारा स्टार्ट से कर, ये देखें बस छोड़ दे। तो ये जी बड़ा प्यारा है, छोड़ दो मुझे जी बकरों से बड़ा प्यार है, ये देखें इतना प्यारा सा है। तो जब एक और काम प्यार हो सामने से कोगले रहा, कोगले भी मुझे आराम प्यार है, कोगले के फिर आते वापस लेके कोक लेनी है। चले भाई लॉक करते यहीं पर, फिर मत दीजिए ज़्यादा आज के लिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक मिनट लगना आपको मिली दबाएँ सब्सक्राइब कर चैनल, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपको, कल इंशाल्लाह बाइक का लाजमी हम सारा काम करवाएंगे। आज जुमे की वजह से काम नहीं करवा पाए, इंशाल्लाह कल सैटरडे है, कल मैं फ्री भी हूँ, इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है।